नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन इसे लेकर देश भर में बवाल अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। संविधान विरोधी बिल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बांटना बंद करो। और मेरे हिसाब से जहाँ तक जो रीति रिवाज धर्म और इसके मुताबिक अगर ये सब सारा मतलब निर्णय अगर होने लगे, ये ऐतिहासिक बिल पारित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। वो इन शरणार्थियों के लिए भगवान का वरदान सिद्ध हुए हैं। अमित जी का आभार प्रकट करता हूँ। केवल कांग्रेस नहीं, बहुत सारे पार्टियां विरोध कर रही हैं और धर्म और राज्य के आधार पर, देशों के आधार पे पूर्व भी हुआ है, पर धर्म के आधार पर कभी भी पूर्व में नहीं हुआ। संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। मोदी सरकार के लिए इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है और बिल का कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। संसद में भले ही बिल पास हो गया हो, लेकिन सड़क पर अभी भी संग्राम जारी है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लोकसभा में पारित हो चुका और यह बिल जो है संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यह देश को बांटने वाला बिल है, इस देश के धर्मनिरपेक्ष के ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है। धार्मिक आधार पर देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता है तो निश्चित तौर पर इसमें सभी वर्गों को लिया गया है, इसमें मुस्लिम समाज को छोड़ा गया है। और यदि तीन देशों को लिया गया तो क्यों चीन, म्यांमार और श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के कानून ला रही है, क्योंकि देश में आर्थिक मंदी का दौर है, व्यापार व्यवसाय उद्योग तबाह हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है। कांग्रेस इस बिल के विरोध में इसलिए है क्योंकि धार्मिक आधार पर एक बार फिर देश का विभाजन करने का काम भाजपा कर रही है, इसलिए हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर। नागरिकता संशोधन बिल के सवाल पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि अगर देश में रीति रिवाज और धर्म के आधार पर फैसले होने लगे तो सबको इसके बारे में विचार करना होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने स्पष्ट संसद में भी इसका विरोध किया है, रोड पे, सड़क पे भी इसका विरोध किया है। हम बहुत जल्द इससे संबंधित जो आपने जो पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। और मेरे हिसाब से जहाँ तक जो रीति रिवाज धर्म और इसके मुताबिक अगर ये सब सारा मतलब निर्णय अगर होने लगे तो हम पे इस पे विचार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय जो होगा हम आपको उससे अवगत करा देंगे। उधर बिल और हंगामे के बीच इंदौर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिकता बिल को संविधान के विपरीत बताया तो शिवराज ने खुशी जाहिर करते हुए लाखों शरणार्थियों के लिए पीएम मोदी को भगवान का वरदान बताया। केवल कांग्रेस नहीं, बहुत सारे पार्टियां विरोध कर रही हैं और सड़क पे उत्तर पूर्व राज्यों में आप स्थिति देखिए, देश के अनेक राज्यों में आप स्थिति देखिए। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने सदैव कहा था संविधान लिखने के समय में कि न जात पात और न धर्म के आधार पर किसी को उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, भारतीय नागरिक के रूप में देखा जाएगा। और सदैव इतिहास में केवल प्रजातंत्र की बात मत करो आप, 3-4 हज़ार सालों से इस भारत माता की माटी में सदैव सभी को अपनाया है, वासुदेव कुटुंबक, यही भारत की विशेषता रही है पूरे विश्व में। और जो अध्यादेश आज लाया जा रहा है और कल लाया गया था, मैं मानता हूँ कि जो भारत की विचारधारा है, भारत की सभ्यता है कि सभी को साथ में लेके चलना, जो अध्यादेश में भी है कि धर्म और राज्य के आधार पर, देशों के आधार पे पूर्व भी हुआ है पर धर्म के आधार पर कभी भी पूर्व में नहीं हुआ।
मैं तो मानता हूं कि ये संविधान के विपरीत की बात अलग है, पर हमारी भारतीय संस्कृति जो है इसके आधार पर नहीं। सचमुच में हमारे लाखों वो शरणार्थी भाई और बहन जिनकी जिंदगी में केवल उन्हें यातना मिली थी, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हुए हों, उनको नया जीवन मिला है, यातनाओं से मुक्ति मिली है। ये ऐतिहासिक बिल पारित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। वो इन शरणार्थियों के लिए भगवान का वरदान सिद्ध हुए हैं। अमित जी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी उन सांसद मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन किया है। कुल मिलाकर नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद एक तरफ जहां इसे लेकर कुछ जगहों पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं। खुशियां मनाने वालों में राजधानी भोपाल और इंदौर के सिंधी समाज के वे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान से आकर यहां बस गए थे और लंबे समय से अपनी नागरिकता को लेकर बात जो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।